जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बापूजी गौशाला लुधियाना पंजाब में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सभी गौशालाओं के या डेयरी फार्मिंग वालों को कि गायों की किस प्रकार से देखभाल करें और उनके लिए गौशालाओं में महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि गायों को आराम रहे, उनका इलाज आसानी से कर सकें और गाय माता को ज़्यादा कष्ट ना हो। तो उसके लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी गौशाला में किस प्रकार से गायों की सेवा की जाती है वह मैं आपको बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले बीमार और बूढ़ी गाय के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वह किस प्रकार से उनकी वहाँ पर सेवा की जाती है। बीमार गायों की सुरक्षा के लिए जाली और बैठने के लिए मैट, बीमार होने पर गाय खड़ी नहीं होती जो उनके लिए शिकंजा, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था, इलाज करने के लिए शिकंजा। तो बने रहे इस वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। हर प्रकार की यही कोशिश करते हैं जो गौ माता हमारे बीमार गौ माता है चाहे सही गौ माता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बापू जी की आज्ञा है जो कुछ भी हो हमारे गायों के लिए पूरा ध्यान रखा जाए। जैसे हमारी बीमार गाय है फर्श पर ईंटों पर तिलक जाती हैं उसके लिए हम अलग अलग तरह से व्यवस्था करते हैं इसका। अब इस समय पहले हमने और मैट बिछा रखा था लेकिन उसमें ऐसा था वो थोड़ा घिस गया और बारिश वगैरह पानी वगैरह से ना इस करके तिलकने लग गई गाय। बीमार गाय तो ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम में होती हैं, बेचारी उठ नहीं पाती हैं, इस करके इस समय हम एक नवा मैट लेके आए हैं। हमारी गायें जैसे वो फर्श पर गिरने से इनको चोट वगैरह लग जाती है तो ये बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैट ऐसा हमने मंगाया कि इसमें इनके घाव में थोड़ा सा भी जख्म और ज़्यादा मत हो इस जख्म वो उसके लिए हमने इस करके ये मैट ले आया। हमारे पास तो था लेकिन वो मैट थोड़ा इतना अच्छा नहीं था और इस करके हमने इतना अच्छा मैट लेके आए। 20 मैट हमने स्पेशल 20 मैट मंगाए, बिल्कुल नहीं तिलकेगा इसमें। आप जितना मर्जी पानी डाल सकते हो, जितना पैसा भी हो फिसलेगा नहीं, बिल्कुल गायों के लिए बहुत अच्छा सेफ्टी है। जैसे हम अपने लिए गद्दा कहते हैं ना, सबसे उत्तम गद्दा बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए होते हैं, हम अपने आप को सोते हैं, तो उसी प्रकार ये हम गौ माता के लिए मैट लेके आए हैं कि हमारे गौ माता बिल्कुल सेफ रहे, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माता कितनी आराम से बैठी है इस मैट। अब आप तो जानते होंगे जैसे ये हमारा ये बाड़ा ऐसा है जैसे इमरजेंसी बाट होता है ना, उस प्रकार के लिए है। और देखो हमारी गौ माता कितनी आराम से मैट पर बैठी है। इसमें हम इतना ज़्यादा सफाई रखते हैं जो इसमें कोई ऐसी ना हो जो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसी प्रकार हमने इसको इतना साफ सुथरा रखे हैं। और दूसरा नंबर ये देखो हमने जो बीमार गायों के लिए पूरी तरह जाली लगा रखा है, इस करके हमने इतना अच्छा चारों पास से जाली लगा रखा है। तो ये जो भी है ये देखो हमने ये खिलाने के लिए कर रखा है, फिर चारा डालो और जाली फिर बंद, क्योंकि हम बराबर नहीं इसको खोल के रखते हैं। हमारी बीमार गायों के कई बार गायों के चोट लगी होती है, कुछ ऐसा जख्म है तो बाहर से कुत्ता ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, पंछी ना आ जाए, जैसे कौवा हो गया, बाज हो गया, ऐसी ऐसी चीजें गायों को तकलीफ ना दें, इस करके हमने राउंड देखो बिल्कुल राउंड हमने ये लगा रखा है, जाली लगा रखा है। और हमारा पंखा है ये 30 से 32 इंच है, ये इतना अच्छा हमारा पंखा है, काफ़ी हवा देता है। आपको तो पता होगा कि इतना बड़ा पंखा कितना पावरफुल होगा, इस करके हमने हर एक एक चीज़ जो भी है हमने सोच समझ के जो भी हमारे गौ माता के लिए फायदा हो, हमारे गौ माता के लिए क्या सही है, उसी प्रकार हमने ये मशीन बनाई है गौ माता के लिए। जो गौ माता के पैर टूट जाते हैं, गिर जाती हैं, पैर खराब हो जाते हैं, उसके लिए हमने ये बना रखा है
ये मार्केट में तो खैर मिलती है, लेकिन वो अलग सा होता है। ये हमने अपने हिसाब से बनाई है, जो कितनी भी हम गौ माता बड़ी हूँ उनके लिए है। और इसमें उसी प्रकार हमने ये कपड़ा बना रखा है, ये आप देख सकते हैं, या इसको खोलो, ये देखो इतना अच्छा ये कपड़ा हमने बना रखा है। इस मशीन में लगा के हम उसको गौ माता को खड़ा करते हैं। ये देखो ये कुंडे इतने भारी हैं कुंडे, और ये कपड़ा भी इतना हैवी है। हमने खुद मैंने इसको तैयार किया है, एक दिन में तैयार किया, क्योंकि उस समय गौ माता तकलीफ में ज़्यादा हो गई और हमारे पास जो पुराना था वो थोड़ा कोई और ले गया था, और इसी कारण हमने एक दिन में ये कपड़ा बनाया। और कपड़ा देखो इतना वजनदार है जो हमारी गौ माता आराम से खड़ी हो सकती हैं। ये जो भी है हम खुद अपने गौशाला में ही बनाते हैं, हम बाहर से नहीं, क्योंकि जो अपनी चीज बनी होती है ना उसकी कीमत कुछ अलग ही होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, हर मटेरियल उसमें असली लगाएंगे। और रेडीमेड तो आपको पता होता है जो रेडीमेड कभी भी वो चीज नहीं होती है। इसका कुंडा से लेके पट्टियां भी हैं, जो भी है सो भी हमने एक स्पेशल जितनी भी चीजें लिया के हमने सब ओरिजिनल लगाई है। इस प्रकार हमने इसको पहले नीचे करेंगे, नीचे करके उसके बाद हम ये कपड़ा फंसाएंगे। ये आप देख रहे हो इस प्रकार हम इसको नीचे ले आते हैं, फंसाते हैं इसमें मशीन में लगा के। फिर हम गौ माता को बिल्कुल, जो गौ माता खड़ी नहीं हो पाती हैं, जो गौ माता खड़ी नहीं हो पाती हैं उनके लिए हम इस प्रकार इसको व्यवस्था कर रखा है। ये इसमें ऊपर करो उठाओ, तो उठाओ। इस प्रकार हमें एक उस गौ माता के लिए है जिस गौ माता खड़ी नहीं हो पाती हैं, नीचे एकदम बैठी रहती हैं। हमने इसको इस करके ऐसा बना रखा है जो अगर गौ माता लेटी रहेंगी तो उनके जख्मों में कई बारी कीटाणु ज़्यादा ना पैदा हो जाए, तो कीड़े ना पड़ जाए। ये तो इसमें हमने पूरा उनका इलाज भी अच्छी तरह कर लेते हैं। इस प्रकार गौ माता इसमें सेफ रहती हैं।